इससे क्यों धुलवा रहा है, मैच में तो हम धो ही देंगे। मैंने तो पहले ही बोला था किसी से भी बकचोदी करो अश्विन अन्ना से मत करो। जैसे हार्दिक पांड्या ने बोला ना हम तुम्हारी टीम को धो देंगे, अन्ना के चेहरे पर मुझे दिखा डिटरमिनेशन, उन्होंने तुरंत मुंडी हिला दी। मैच में तो हम धो ही देंगे, बकचोदी मत कर लोड़े। अब वो कल एक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि विराट भाई ने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, सबकी फट गई भाई साहब। फिर पता चला अप्रैल फूल डे है भाई, पर असली अप्रैल फूल तो मुंबई इंडियंस ने बना दिया हार्दिक पांड्या का। हम सब साथ हैं भाई तेरे, सब भाई मिलके बैटिंग करेंगे, पूरे टाइम यही वाला एड चला है जियो सिनेमा पर। मैच में तो हम धो ही देंगे, उधर विकेट गिरे इधर फिर से ये वाला एड आ जाए। मैच में तो हम धो ही देंगे। अब एज एक्सपेक्टेड वानखेड़े में मैच था, टॉस पर हार्दिक भाई आए। लोगों ने भाई इतनी तेज बू किया है हार्दिक भाई को, माही भाई को लगा मेरी एंट्री पर जो लोग चीयर करते हैं ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई। उतने में संजय मांजरेकर ने बोला इट्स टॉस टाइम, राउंड ऑफ अप्लॉज, बू बू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बू बू। बिहेव। हाँ, संजय मांजरेकर ने एकदम से पब्लिक को बोल दिया बिहेव, और जैसे ही ये वर्ड पब्लिक ने संजय मांजरेकर के मुंह से सुने, हार्दिक पांड्या को 2 सेकंड में गालियां पड़ना बंद हो गई, क्योंकि सारी गालियां पड़ने लगी संजय मांजरेकर को। मजा आया, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चड्डू भाई भी सोच रहे थे संजय मांजरेकर मेरे टाइम तेरे से बिहेव ना हुआ, और यहाँ बड़ा प्रोफेसर बनना फिर रहा संजू। इंपैक्ट प्लेयर का पूर्ण इस्तेमाल करना कोई सीखे, नहीं नहीं सीखे इनसे, रिकॉर्ड बन गया भाई ये भी एक नया। रोहित भाई आज मेरी तरफ से प्लीज आप फैसला करो कौन आएगा इंपैक्ट प्लेयर, ही नमन धीरे तो तुरंत आउट हो गया। हाँ, अब ब्रेविस को लेके आ जा तू एज ए इंपैक्ट प्लेयर यार, पर भाई ये भी तो जीरो पर आउट हो गया आते ही। तो हो गया ना फैसला भाई साहब, टीम डेविड से पहले पीयूष चावला को बैटिंग करने भेज रहे हैं ये लोग एज ए नाइट वॉचमैन, कि आज तू संभाल ले पीयूष, कल सुबह सुबह टीम डेविड को भेज देंगे बैटिंग करने, अगला दिन संभाल ले। नीता अंबानी का यही सब देख के भयंकर सिर दुखने लगा, उसने बोला कौन था यार वो इंपैक्ट प्लेयर, उसको जरा भेजो इधर सर की मालिश करने। और एमआई की इतनी बुरी हालत होने के बाद जब कैमरामैन ने प्रकाश डाला हार्दिक भाई पर, गांड फटे तो फटे नबाबी न घटे, भाई मेरे को लग रहा हार्दिक भाई सदमे वदमे में तो नहीं चले गए, बस हंसते ही रहते हैं। प्लीज यार अब हम इनको छेड़ना बंद ही कर देते हैं, मतलब अब रहने दो यार, बिहेव बिहेव बिहेव। रोहित भाई भी एंड के अवर्स में क्राउड को शांत कराने में लग गए थे कि मत करो बू भाई मत करो यार। अरे हार्दिक पांड्या को बू करने का मना नहीं कर रहा था यार, रितिका ने धनिया और अदरक के साथ कुछ लाने का बोला था, इतना शोर हो रहा था याद ही नहीं आ रहा था, सबको बोला थोड़ा शांत हो जाओ याद करने दो। एक तो इधर मुंबई इंडियंस वन फैमिली टुगेदर फैमिली के लफड़े खत्म नहीं हो रहे थे, ऊपर से ट्रेंट बोल्ट भाई अलग नाराज हो गए कि मुझे इस फैमिली से कैसे निकाल दिया था तुम लोगों ने, टॉप ऑर्डर ही खा गए भाई बिना डकार के। अंबानी जी भी सोच रहे थे इधर रोहित हार्दिक बुमराह ईशान के लफड़े सुलझा लूं फिर तू रूठ जाना भाई थोड़ा रुक जा। हम तुमको पाला हूं रे गुलामी करवाने के लिए। एक तो ये आदमी जिस दिन भी पहला विकेट पहले ओवर में ले लेता है ना भाई, अपने दिल में से अलग ही एक आवाज आती है कि दो बैट्समैन को और लपेट के ले जाएगा ये साथ में। ना तेरे ना जिम करे ट्रिंक बॉल तुम बेटा क्रिकेट में फुटबॉल खिला लो जब मन करे। क्रिकेट कम फुटबॉल ही खेलना होता है इसे। ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग देख हार्दिक भाई वानखेड़े की पीछे की छोटी खिड़की में से रवाना हो गए थे। नीता जी ने वापस फोन करके बुलाया कि भाई तू ही कैप्टन है कहाँ भाग रहा है। भाई अगर तुमको इस मैच का बेस्ट मोमेंट देखना है ना, सबसे फनी मोमेंट देखना है, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है वीडियो, जाके जरूर चेकआउट करना, जिसमें एक फैन रोहित भाई के पास जाता है, रोहित भाई इतने ज्यादा चमक जाते हैं, ये वीडियो तुम जितनी बार देखोगे ना भाई तुमको हंसी आएगी। और एक और वीडियो मैंने डाला है टेलीग्राम पे जिसमें बांग्लादेश के सारे फील्डर एक ही बॉल के पीछे भाग रहे हैं फील्डिंग करने, ये दो वीडियो जरूर देखना भाई मौज आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम चैनल का। बांग्लादेश वालों से बड़ा कार्टून नहीं देखा भाई यार। रोहित भाई तो एकदम आराम से जीरो पर आउट होकर बोल दिए थे हार्दिक भाई को कैप्टन साहब संभालो हम भी देखें कैसी कैप्टनसी करते हो, आउट होकर ईटिंग शीटिंग चल रही थी रोहित भाई की। पर एक बार फिर से हमारी संतरा टोपी द लेजेंड रियान पराग जी लेके जा चुके हैं।
उसको सांस तो लेने दे। हार्दिक भाई कैसे कैसे दिन आ गए, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपको रियान पराग मिल रहा है। अरे चुप कर भाई, अभी 3 मैच पहले तू भी गालियां ही खा रहा था। संजू सैमसन ने एक रिव्यू लिया था अश्विन अन्ना की बॉल पर, DRS हुआ, एम्पायर ने चेक किया, कोई अल्ट्रा एज नहीं निकला था तो एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया। पर बाद में संजू बाबा ने एम्पायर को जाके बोला कि भाई साहब मैं कॉट बिहाइंड का रिव्यू नहीं ले रहा था, मैं वाइड बॉल का रिव्यू ले रहा था। थोड़ी देर तक ये लफड़ा चला पर फिर भी वाइड बॉल नहीं दी। अब भाई चेक कर ही रहे हो तो सारी चीजें चेक करना चाहिए ना भाई, रिव्यू लिया है तो वाइड भी देख ही लो यार, जब दिख ही रही है कि वाइड जा रही है तो। मेरे को तो भाई यही लग रहा था अश्विन अन्ना की बॉल पे ये सब कांड हो रहे हैं, अश्विन अन्ना अपनी रूल बुक निकाल के एम्पायर में ना दे दें कि पढ़ पहले से, मुझे सिखाएगा बड़ा आया कल का एम्पायर। अदर टीम्स, मुंबई इंडियंस टीम, मुंबई इंडियन की टीम थोड़ी सी डायरेक्शन में उल्टी जाती हुई। मैनेजमेंट, पीयूष गो टू बैट, इट्स योर टर्न पीयूष। मैं जाऊं, मैं रोहित भाई जैसे दो बार कंफर्म किया उसने कि ये टीम डेविड को काय के लिए बिठा रखा है, ही थिंक्स ही इज पैट कमिंस। संजय मांजरेकर को लगा ही कैन साइलेंट द क्राउड, वेलकम टू पैरेलल यूनिवर्स। ऑरेंज कैप रियान पराग, RCB वॉन ट्रॉफी, गौतम गंभीर और विराट कोहली का भाईचारा, बांग्लादेश और श्रीलंकन प्लेयर साथ में खेलते हुए, भाई सच में हम लोग कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए अचानक से। देख हार्दिक, स्ट्रेटजी ये है, यहाँ से आगे तू संभाल। वाह भाई क्या स्ट्रेटजी निकली है और क्या संभाला हार्दिक भाई ने। कोई बात नहीं, एक टाइम में मैं भी बहुत ट्रोल हुआ करता था, द रियल मोटिवेटर रियान भाई। हमारा लन मनाए पांड्या की कैप्टनसी में रन, वाह 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 वाह। हार्दिक पांड्या आउट, MI फैन। संजय मांजरेकर भी लाइक, मैं तुमको बचाएगा खुद की छाती पर गालियां खाके। क्रूनल पांड्या अपना अच्छा है, ना कोई फैन ना कोई ट्रोलर, ये बात भी सही है यार LSG वालों, क्रूनल पांड्या चिल लाइफ जी रहे। हार्दिक पांड्या एंटरिंग इन वानखेड़े स्टेडियम आफ्टर बीइंग ट्रोल्ड फॉर 1000 टाइम्स, सेम ऐसी स्माइल करते रह रहे हार्दिक भाई, झटके लग गए उनको लग रहा है। वानखेड़े ऑडियंस टू हार्दिक पांड्या, नो 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 नो। रोहित शर्मा, या व्हेनेवर द अपोजिशन इज इन ब्लू जर्सी, ट्रेंट बोल्ट एंड ट्रेविस हेड, आज पेलेंगे। रोहित शर्मा टू हार्दिक पांड्या, तुम कप्तान हो तुम संभालो। रोहित भाई अब जाके मजे लेना चालू किए हैं, रोहित भाई कोई कसर नहीं छोड़ रहे मैच के बाद मुझे गालियां खिलवाने की। हार्दिक पांड्या ट्राइंग टू वेक अप सूर्या, अबे रोहित तो फिर से MI का कैप्टन बना दिया, रोहित रोहित। अंबानी टू हार्दिक, ये हो जाएगा या इसमें भी कोई रंडी रोना होगा तुम्हारा, या सेकंड ऑप्शन। ये हार्दिक की सेंचुरी पर पोस्ट करने को तैयार बैठा था, सही में भाई सब लोग वो मोटिवेशनल कोट्स निकालने लग गए थे, एवरीबॉडी हेट्स मी बट फलाना ढिमका, और कोई कोई से गाने पीछे लगाने वाले थे। हार्दिक भाई ने अपना विकेट दे दिया कि मेहनत मत करो यार कोई बात नहीं। अंबानी जी अगर मुझे वेडिंग में बुला लिया होता तो ये सब देखना ही नहीं पड़ता। जयशा भाई से पंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। भेव वानखेड़े क्राउड बूइंग, बहुत ही अच्छा बचा है मांजरेकर जी ने, दो गालियां और पड़वा दी रख के। MI फैन सिंस 3 सीजन, IPL 2022 बुमराह आर्चर आ जाएंगे ना फिर देखना, 2023 बुमराह आ जाएगा ना फिर देखना, IPL 2024 सूर्य कुमार आ जाएगा ना फिर देखना। MI वाले बेचारे यार क्या क्या करें, कैसे बॉलर हैं ये, 125 रन डिफेंड के लिए 15 ओवर लगाते, मैं होता तो 4 ओवर में रन दे देता। फिर हार्दिक भाई बॉलिंग कैसे नहीं की है, बॉलिंग कैसे नहीं की है बटलर और जायसवाल के सामने। अरे रोहित भाई मुंबई तो सिर्फ पहला मैच हारती थी ना, क्या मतलब है इट्स ओके टू बी यूनिक, ये वाला मीम भी गजब वायरल हो रहा है इनका, इट्स ओके टू बी यूनिक वाला। ट्रेंट बोल्ट टू मुंबई इंडियंस, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, उधेड़ तो दी भाई, वार्निंग भी ना दी। अदर टीम, हार्दिक पांड्या अपोजिट साइड से खींचते हुए, मुंबई इंडियंस टॉप ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ ट्रेंट बोल्ट। MI and RCB looking at all the other team on point table. RCB की जिस हिसाब से बॉलिंग चल रही है ना भाई, आज भी मेरे को तो डर ही लग रहा है कुछ खेला ना हो जाए इनके साथ। यार भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। टेलीग्राम पे आ जाना, तो जो दो वीडियो का मैंने बोला ना भाई देख लेना, बहुत मजा आएंगे तुमको।